फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिल्ममेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एक प्रोड्यूसर को या फिर एक फिल्ममेकर को अपने शुरुआती समय में हाई बजट फिल्म बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत सारे नए लोग रहते हैं जो अपने फिल्मी करियर के स्टार्ट करते हैं खुद प्रोड्यूसर के रूप में, और वो खुद फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसे रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या उनको एक हाई बजट की फिल्म बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? तो अगर आप भी उनमें से एक है, आपको इस तरह की जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आर फिल्म प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। फ्रेंड्स, जब एक प्रोड्यूसर जो है या फिर एक फिल्म मेकर जो है वो अपने शुरुआती समय में एक फिल्म की तैयारी करता रहता है, तो वो क्या गलती कर बैठता है? वो गलती कर बैठता है कि वो स्टार्टिंग में ही एक हाई बजट की फिल्म बनाने लगता है। वो क्या करता है कि उसके पास जितने पैसे रहते हैं वो मिला करके, फिर कुछ पैसे वो लोन लेकर के फिल्म को रेडी करता है। तो ऐसे में ये जो काम हो गया कि लोन लेकर के, जो कर्ज लेकर के जो फिल्में बनाई जाती है, जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क वाला काम हो गया। उन्हें सबसे पहले ये बात सोचनी चाहिए कि अगर वो इस तरीके का काम करते हैं और फिल्म जो है वो किसी तरह से नहीं चलती है, या सपोज़ फिल्म जो है किसी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फिल्म कुछ कंट्रोवर्सीज में फंस जाती है या फिर फिल्मों को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के केसेस में अगर उनको लॉस हो जाए, सपोज़ फिल्म जो है वो रिलीज़ भी हो गई और फिल्म जो है वो उतना बिजनेस नहीं कर पाई जितना कि उनका बजट था, तो उनको बहुत हैवी लॉस हो जाएगा। तो अपनी स्टार्टिंग समय में कभी भी ये फ़ायदे का सौदा नहीं है एक हाई बजट फिल्म बनाना। अपने स्टार्टिंग के समय में जनरली जो भी प्रोड्यूसर है या फिल्म मेकर है, उन्हें लो बजट की ही फिल्म बनानी चाहिए। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ही हाई बजट की फिल्म बना दे और फिर उसका लॉस जो है वो सह नहीं पाए। मैं आपको डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। आपको बस एक मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने स्टार्टिंग समय में शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करें, या फिर कोई रीजनल फिल्म से भी शुरुआत आप कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से आप शुरुआत कर सकते हैं, एड फिल्म से शुरुआत कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप शुरुआत करेंगे तो होगा क्या कि आप जो पैसे कमाएंगे वो आपको फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू ही मिलेंगे। अब उन पैसों को आप इकट्ठा करते जाए और उसके बाद आप फिर एक मीडियम बजट वाली या फिर एक लो बजट वाली फीचर फिल्म बनाएं। जब आप लो बजट फिल्म में सक्सेस हो जाए, उसके बाद ही आप फिर हाई बजट की फिल्म बनाने की सोचें। वरना अगर आप डायरेक्टली हाई बजट पे आ जाएंगे तो अगर वो फिल्म नहीं चलेगी तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। तो उम्मीद है कि सभी नए फिल्म मेकर्स को और प्रोड्यूसर्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि उन्हें रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना वो सह सके। यानी कर्ज में लेकर के, लोन लेकर के और अपनी सारी सेविंग्स को दाव पे लगा करके कभी भी फिल्म नहीं बनाना चाहिए। फिल्म में जो पैसे यूज़ हो रहे हैं उनके अलावा भी आपको कुछ पैसे सेव रखने चाहिए, ताकि आप लॉस के समय में उस लॉस को सह पाए। तो डायरेक्टली हाई बजट फिल्म बनाने की बिल्कुल भी ना सोचें, आप लो बजट फिल्म से ही शुरुआत करें तो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर उन प्रोड्यूसर्स और उन फिल्म मेकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही रिच है, जिनके पास पैसों की कोई कीमत नहीं है। वो पैसे जो है वो पानी की तरह बहा सकते हैं, उनकी बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगर हाई बजट की फिल्म बनाते भी है तो भी वो उसका लॉस सह लेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन प्रोड्यूसर्स की, उन फिल्म मेकर्स की जो कर्ज लेकर के, लोन लेकर के, अपने घर को गिरवी रख करके, अपने सारी सेविंग्स को दाव पे लगा करके फिल्म बनाने में अपना पैसा डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।